और अब खबरें विस्तार से। आजादनगर मानगो में गुरुवार को वृद्ध महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर आजादनगर में हुई वृद्ध महिला हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल शेख वसीम, सलमान हाशमी और रेहान, साथ ही देसी पिस्टल और मैगजीन भी बरामद कर ली गई है। थाना अंदर जवाहर नगर में कल अमीना बीगम नाम की एक महिला की हत्या हुई थी, जो गोली मार के हत्या हुआ था। गोली मारने के बाद इंजोर्ड को जो है टीएमएच हॉस्पिटल ले आए थे। तीन युवकों के द्वारा टीएमएच हॉस्पिटल ले आया था और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसमें दो लोग तुरंत उधर से जो है निकल गए थे। फिर एक व्यक्ति हॉस्पिटल में था, पुलिस पार्टी पहुंचा और एक व्यक्ति जो टीएमएच में था उससे भी हम लोग पूछताछ किया। उसी समय उनके द्वारा बताया है कि जवाहर नगर में जो मोहल्ला में ही एक बाइक में तीन युवक आके गोली मारा है और उसी में महिला की मृत्यु होने के बाद कही थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत अनुसंधान में लग गए थे। अनुसंधान के क्रम में हम लोग मोहल्ला में पता किया, तब पता चला है कि उधर किसी तरह का कोई घटना नहीं हुआ है, लेकिन जो है फिर डिटेल में पूछताछ के क्रम में हम लोगों को ये भी पता चला है कि जो है हत्या हुआ घर के अंदर में ही हत्या हुआ था। और जो मृतिका है अमीना बीगम, उसका भाई का लड़का है, बेटा भाई का बेटा है शेख वसीम, उसी और शेख वसीम और उनका सहयोगियों मिलकर इसका हत्या किया था और 7.62 का पिस्टल उसमें इस्तेमाल हुआ था। फिर हम लोग तुरंत रेड किए थे और रेड के बाद पिस्टल भी बरामद हो गया है और जो है तीनों अभियुक्त शेख वसीम और उनका दो सहयोगी रहान और सलमान हाशमी, टोटल तीन अभी गिरफ्तार हो गया है। हत्या में जो हत्यार प्रयोग किया है वो भी हत्यार भी अभी हम लोग बरामद किया है। हत्या का कारण क्या बताया है? जो अमीना बीगम का पांच भाई है और उन लोगों के साथ जमीन का विवाद तो पहले से चलते आ रहा था और जो है कल बगजग हुआ घर में और उसके तुरंत जो है शेख वसीम के पास जो है पिस्टल है, पिस्टल से तुरंत गोली मारा था। पूछताछ के क्रम में वसीम ने बताया कि पिस्टल जो है मुंगेर से खरीदा था, 15,000 रुपया देके मुंगेर से खरीदा था और उनका कुछ रिलेटिव्स मुंगेर में रहता है, मुंगेर जाके उधर से हथियार अपने पास रखा था और कल सडन प्रोवोकेशन में गोली मार दी। दूसरी घटना परसों ढी की है, जहां सुधीर दास नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की निरशंस हत्या कर दी। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने अपने संलिप्तता स्वीकार कर ली है। कालापट्टी परसुड़ी में माया देवी नाम की एक लेडी की हत्या हुई है और हम लोग अनुसंधान तुरंत किए थे। अनुसंधान में पाया गया कि जो उसका पति सुधीर दास के द्वारा हत्या किया था, सुधीर दास को भी हम लोग गिरफ्तार किया है और जिस वेपन से जो हत्या किया था, जो कुदाल इस्तेमाल हुआ था, खून लगा हुआ कुदाल भी हम लोग रिकवर किया है और आखिर उसका गिरफ्तारी भी हो गया। उसका भी फोटो करवाया, उसका करवा लो, थोड़ा साइड में करवा लो। पति पत्नी का पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा था और पत्नी के ऊपर इनको शक था, तो काफी मतलब जो क्विक एक तरह से कहें 24 घंटे के अंदर में पूरा अनुसंधान, दोनों केस में जो हम लोग 24 घंटा भी 12 घंटा के अंदर गिरफ्तारी दोनों केस में हो गया है। बिरसानगर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर घर बनाने वालों को सरकार ने हटा लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। शुक्रवार को वहाँ बुलडोजर भी चला। बिरसानगर स्थित कारगिल चौक के पास सरकारी भूमि पर कब्जा कर घर बनाकर रह रहे लोगों के लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं। सरकार ने वहां से हटने का आदेश दे दिया है। शुक्रवार को एसडीओ आलोक कुमार की देखरेख में बुलडोजर से कुछ मकानों को हटाया गया। हालांकि सुरक्षा बलों को देख किसी ने विरोध नहीं जताया, पर वे काफी नाराज दिखे। एक मिनट, 15 साल पहले का है और घर तो अभी 4-3 साल से बना रहे हैं। जमीन क्या किसे लिए थे कि इसी तरह अमूल्यों से लिए? कौन अमूल्यों से? अमूल्यों का मकान। तो सर आपको मालूम नहीं था कि जमीन अतिक्रमण में है? नहीं, हम लोग कोर्ट से रजिस्ट्री सब कराया हुआ है जमीन का। अच्छा, कागज उगज कोर्ट से बना। कोर्ट से, तो फिर आपका क्यों जमीन तोड़ा जा रहा है? अब मालूम नहीं, सबका तो टूट रहा है, अब उसमें क्या है इनसे बोला जाए। जब हम रघुवर दास के गए, हम बोले जमीन लिए हैं तो बोले कि अब कहीं का नहीं टूटेगा, आप लोग बनाइए। तब हम लोग बाउंड्री बना के एक ठो बनाए, आर जिला मलकाना हक कटेगा 6 महीना से साल भर में बोले थे। समझे ना भैया,
जिसमें बनाया था उस समय कोई रोक लगाया था? नहीं नहीं, जिसमें बनाया था उस समय आपको कोई प्रशासन का आदमी अधिकारी आया था? हाँ आया था। तो फिर रोक नहीं लगाया, बनाइए रोक नहीं लगाया। तभी तोड़ने के लिए कोई आदेश उदेश दिया आपको? कुछ नहीं मिला है, मिलता तो फिर हमको क्या मतलब था। रघुवर दास बोले थे कोई भी 86 बस्ती में नहीं टूटेगा, बिरसा नगर आता है 86 बस्ती में, फिर भी तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हो गए तो जिसमें बनाया थे उस समय, वो तो 10 साल पहले बना था, 6-10 साल पहले बनाया था। हाँ अभी क्या करेंगे फिर आप लोग? टूट रहा है, अब जाएंगे सीएम के पास, आएंगे तो लाल बाग एरिया है ये सरकारी, लाल टाण बोलता है, ये कारगिल क्षेत्र के पास का बिरसा नगर का क्षेत्र है, और ये सारी जमीन गैरमजरूआ सरकारी जमीन है, प्योर रूप से सरकारी है। और जैसा लोगों ने बताया सूचना के मुताबिक इस क्षेत्र में कोई अमूल्य कर्मकार है जो जमीन माफिया के रूप में प्लॉटिंग करके सरकारी जमीन बेचता रहा है, और ऐसे तत्वों को सबक मिलेगी। और मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकारी जमीन का खरीद पर में लगा हुआ है तो उसके विरुद्ध में हम लोग थाना के माध्यम से कार्रवाई करा रहे हैं, जिसके विरुद्ध में FIR हो गई अभी। और लोगों को भी हम चेताते हैं कि बिना सही कागज के वो जमीन नहीं खरीदें, अन्यथा उनकी भारी कमाई जो है बेकार में माफिया तत्वों के हाथ में चली जाती है। इस तरह की प्रवृत्तियों में लोगों को रोक लगाने की भी आवश्यकता है। आम मकान मस्जिद के पास अवस्थित दुकानों को लेकर शुक्रवार को मस्जिद कमेटी और दुकानदारों में जमकर विवाद हो गया। साक्षी आम बागान स्थित मस्जिद की नई कमेटी द्वारा दुकानों को हटाए जाने के फरमान के बाद दुकानदारों के साथ जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को वज्र वाहन तक बुलानी पड़ गई। दुकानदारों का पक्ष है कि वे बरसों से दुकान चला रहे हैं और उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, मगर कमेटी वहां अवैध दुकानें हटाने पर अड़ी रही। काफी देर तक वहां हंगामे की स्थिति उत्पन्न रही। चलिए रोड चालू कराइए, रोड चालू करें भाई, चलिए रोड स्टार्ट करें ना प्लीज। मामला कुछ नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हमारी एक ही कोशिश है कि जो दुकानदार हैं, जो जायज दुकानदार हैं, इसमें बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं जो दुकान लेकर के भाड़ा में दे दिए हैं, उसकी मुखालफत हम करते हैं। जो जायज दुकानदार हैं उनको दुकानें आप दीजिए, 25-30 साल से अपने परिवार पाल रहे हैं, मस्जिद बनाइए, और नहीं टोटल दुकान हटा के टोटल में मस्जिद बना दीजिए भाई, हम तो हर तरफ से राजी हैं। आप मारपीट कर रहे हैं, आप तोड़ो फोड़ो, यार ये कहीं का जेन्युइन तरीका नहीं है। 4 दिन पहले हमसे बात हो रही है, मैं बहसियत दुकानदारों का सदर हूँ यहाँ पर, मेरे से बात हो रही है कि ड्राइंग बना के दिया जाएगा, ठीक है आप सब जिसको दुकानों को हटाना है हटाइए, अरे भाई टोटल दुकान हटा के मस्जिद बना दीजिए ना, 82 दुकानदार है, 82 परिवार है, खा जाइए। आप उसका सबूत दीजिए, इसने बाकायदा बैंक में पैसा जमा किया है, उसका पेपर मैं सम्मानित पत्रकार को दिखा देता हूँ। क्या फायदा मौत बना करके आप 200-500 किसी दिन, इतना सम्मानित पत्रकार के सामने मैं बात बोल दे रहा हूँ, किसी दिन इस चक्कर में यहाँ 2-4-10 की जान चल जाएगी और इसके जिम्मेदार होंगे ये लोग। पहले मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर मोमेंट बिगड़ेगा। अरे भाई बैठ के बात कीजिए ना, आप मस्जिद DSP जसिता करकटा ने मामले को शांत करवाकर दोनों पक्षों को थाने में तलब किया।